हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक सॉन्ग को रिएक्ट करने वाला हूँ जो कि है मूवी छत्रपति का, और सॉन्ग का नाम है बरेली के बाजार। और अगर आपको नहीं पता तो ये ऑफिशियली रीमेक है, 2005 में आई छत्रपति, ऑब्वियसली उसमें प्रभास थे, उसका ऑफिशियल रीमेक है ये। और इसके अंदर श्रीनिवास है और नुसरत भरूच है, और ऑब्वियसली ये पहला सॉन्ग है मेरे ख्याल से इस मूवी का, और इसका एक ग्लिम्स ही आया है। तो ऑब्वियसली हम स्टोरी तो जानते हैं क्योंकि हमने वो पुरानी छत्रपति देखी है जिसके अंदर प्रभास थे, और आई थिंक उन्होंने अपने बहुत ही अर्ली एज में किया था, 2005 में किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है वो, अगर आपने नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली ये देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हो, और इसकी रिलीज डेट भी है 12th में आ चुकी है गाइज। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले ये सॉन्ग देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। चलो ओके, मुझे लगा वही म्यूजिक है। अरे ये मेरा सैंडल टूटा रे, बरेली के बाजार में मुझसे। ओके, बरेली के बाजार में, बरेली के बाजार में थोड़े लिरिक्स चेंज हो गए बस। ओके, छत्रपति। ओके, तो फिर ऑब्वियसली बीच में जो ऑब्वियसली ग्लिम्स आ गए थे एक्शन के, तो कहीं ना कहीं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई अपग्रेड हुआ है, क्योंकि हमने प्रभास की छत्रपति देखी थी, काफ़ी ओल्ड है, मतलब 2005 में आई थी तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अगर वो लोग ने सिर्फ स्टोरी ही उससे ली है तो काफ़ी चीज़ें चेंज की होगी, ऑब्वियसली लोकेशंस या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, या ऑब्वियसली एक्शन सीक्वेंस तो थोड़े बहुत चेंज होंगे। और क्योंकि उसमें फुल ऑन अवतार, एक्शन वाले अवतार में हमें प्रभास दिखे थे, तो इसके अंदर श्रीनिवास कैसे करते हैं वो देखने लायक होगा, और काफ़ी बेहतरीन एक्टर है, इतना तो हमने उनकी तेलुगु मूवीज़ में देखा ही है कि भाई एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं वो। और नुसरत और मेरे ख्याल से श्रीनिवास का पहला मूवी है साथ में, और जैसे कि आप जानते हो कि ये ओवरऑल पैन इंडिया मूवी है तो काफ़ी सारे लैंग्वेज में रिलीज़ होगी, और ये पहला ही सॉन्ग था और काफ़ी अच्छा सॉन्ग था, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ये सॉन्ग नहीं सुना है, ऐसी बीट्स नहीं सुनी है, कहीं ना कहीं एक पार्टी टाइप सॉन्ग था ऑब्वियसली जिस हिसाब से डांस, और ये उसमें नज़र भी आ रहा है कि एक पार्टी वाला जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो क्रिएट किया गया था। बस ये देखने लायक होगा कि भाई मूवी में ये कहाँ होगा। और अगर सिंगर्स की बात करें तो सुनिधि चौहान ने गाना गाया, और कहीं ना कहीं परफेक्टली इस सॉन्ग के ऊपर उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी बैठ रही है, और नुसरत के ऊपर भी बहुत अच्छी सूट हो रही है उनकी आवाज़, और श्रीनिवास और नुसरत दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखने लायक होगा कि मूवी में उनकी केमिस्ट्री कैसी होती है, और ओवरऑल सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, कैची सा वाइब है इसके अंदर, और डांस स्टेप भी काफ़ी अच्छे है। बस ये देखने लायक होगा कि मूवी में कहाँ प्ले होता है, और क्या इसकी ज़रूरत रहेगी मूवी में, नहीं रहेगी वो तो देखने लायक होगा कि भाई मूवी में वो फिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एज सच पार्टी सॉन्ग है भाई ये, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। आपको ये सॉन्ग कैसा लगा जरूर बताना गाइज, और आप कितना वेट कर रहे हो उस मूवी के लिए ये भी जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।